क्राइम ब्रांच की टीम ने गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कॉटन मार्केट के पास स्थित आदर्श नगर झोपड़पट्टी क्षेत्र में दो आरोपियों को देशी पिस्तौल और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम मंगलवार दोपहर गश्त पर थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि गणेशपेट पुलिस थाना क्षेत्र की कॉटन मार्केट के पास स्थित आदर्श नगर झोपड़पट्टी एरिया में नाले के बाजू में दो आरोपी देसी पिस्तौल के साथ बैठे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना पर छापा मारकर पुलिस ने घटनास्थल से सागर मुन्नालाल गौर कॉटन मार्केट कांची हाउस निवासी और लखन सेवक राम रयकवार मध्य प्रदेश खंडवा निवासी को पकड़ा है। दिनांक 15/12/2020 रोजी क्राइम युनिट 1 पथक पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एक गोपनीय माहिती मिळाली होती की पोलीस स्टेशन गणेशपेठच्या हद्दीत आदर्शनगर झोपडपट्टीच्या परिसरात दोन युवक देशी पिस्टल घेऊन फिरत आहेत। तर ह्या गोपनीय माहितीच्या गोपनीय माहितीच्या आधारे आमचं पथक त्या ठिकाणी गेलं आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी संबंधित इसमांकडे अंग झडती घेतली असता आम्हाला त्याच्यामध्ये दोन्ही व्यक्तींकडे प्रत्येकी एक देशी बनावटीचं पिस्टल मिळालं। त्या ठिकाणी लगेच दोन्ही इसमांना ताब्यात घेतलेले आहे। त्यांची नावं अनुक्रमे सागर मुन्नालाल गौर आणि लखन रायकवार हे दोन्ही पोलीस स्टेशन गणेशपेठ हद्दीत राहणारे आहेत आणि त्यांना त्यांच्यावरती भारतीय हत्यार कायदा 325 अन्वये कारवाईसाठी पोलीस स्टेशन गणेशपेठ त्यांच्याकडे देण्यात आलेलं आहे। तलाशी लेने के बाद उनके पास से देसी बनावट की दो पिस्तौल और मैगजीन सहित कुल 60,000 रुपए के माल को जब्त किया गया है।